सबकॉन्शियस माइंड की पावर सभी जानते हैं कि कितनी कमाल की होती है, और हम आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक किसी बात को भेजने के लिए कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। हमने आपको बहुत से वीडियो में ये बताया है कि एकाग्र होने के लिए किस तरीके से हम कौन सा आसन और कौन सा प्राणायाम करें जिससे हम एकाग्र हो सकें। पर हम आपको आज कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं जिसके वजह से आप सबकॉन्शियस माइंड को बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी डाटा को भेजने के लिए एक ही रूल है, एक ही फॉर्मूला है, वो है कि आप बार बार किसी भी काम को रिपीट करिए। हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे रिपीट करने से सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाती है, और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी संदेश को भेजने के लिए हमें एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना ज्यादा एकाग्र होंगे उतनी जल्दी आप सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को भेज देंगे, नहीं तो आपको बार बार रिपीट करना होगा। जितनी कम एकाग्रता होगी उतनी ज्यादा आपको बार बार दोहराना होगा उस बात को सबकॉन्शियस माइंड तक भेजने के लिए। अगर आपकी एकाग्रता ज्यादा है तो आप एक बार ही अगर बोलेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंच जाएगी। पर क्या एकाग्रता पाना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। तो क्या बोलना आसान है? हमारे लिए रिपीट करना ही सबसे अच्छा और सबसे सिंपल माध्यम बनेगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप बोल भी सकते हैं? जैसे आपको बुद्धिमान बनना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि हमको बुद्धिमान बनना है, हमको बुद्धिमान बनना है, तो क्या आप कितने दिन तक आप इस संदेश को सबकॉन्शियस माइंड तक भेज सकते हैं? कितने दिन तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बोल सकते हैं कि हमको अमीर बनना है, हमको अमीर बनना है? कितने दिन तक? एक दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, 15 दिन बोलेंगे, 21 दिन तक बोलेंगे। 21 दिन का ये रूल है कि 21 दिन में वो काम सिद्ध होने लगता है। लेकिन क्या 21 दिन बाद भी अगर वो काम नहीं सिद्ध हुआ, वो काम नहीं प्रूव हुआ, तो आप वो चीज को रिपीट करना बंद कर देंगे? क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि वो काम नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रूल तो 21 दिन का ही बनाया गया है कि कोई भी काम 21 दिन तक करेंगे तो वो हमारे चेतना में उतर जाता है। पर वो 21 दिन बाद भी अगर वो आपके चेतना में नहीं उतरता है, तो इसका कारण यही है कि बस हम एकाग्र नहीं है। तो हमें बस एकाग्र होने के लिए बोलने के स्टाइल को बस चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि हमें बुद्धिमान बनना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें बुद्धिमान बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरी एकाग्रता लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है। तो ये संदेश आप बार बार कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर आप अपने बॉडी के साथ कुछ ऐसी क्रिया करें जैसे बोलते समय अपनी उंगली को हिलाएं, अपनी उंगली को हिलाते रहें और बोलते रहें कि मुझे बुद्धिमान बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है। जब जब जितनी बार उंगली हिलाते रहें उतनी बार आप ये बोलते रहें कि मुझे बुद्धिमान बनना है, तो इससे क्या होगा कि आपको बोलने से आसानी होगी उंगली को हिलाना। अब आप 10 दिन तक तो ये काम कर ही सकते हैं, 10 दिन नहीं तो एक दिन तो आप ये काम कर ही सकते हैं। पूरे एक दिन आप उंगली हिलाते रहें और ये बोलते रहें कि मुझे बुद्धिमान बनना है और मुझे बुद्धिमान बनना है, या हाथ हिलाते रहें या सांसों पे ध्यान देते हुए ये बोलें कि मुझे बुद्धिमान बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे सांसों के साथ मिक्स हो जाएगा उस बोलने वाली क्रिया को लेके। अब बोल हम क्या रहे हैं कि मुझे बुद्धिमान बनना है। अगर हम उंगली हिला रहे हैं या सांसों पे उस चीज को कॉन्सेंट्रेट करके उस चीज को बोल रहे हैं, तो अब हम अगर नहीं भी बोलेंगे तो मेरा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जब हम सांस लेंगे तो वही उसके दिमाग में चलेगा कि मुझे बुद्धिमान बनना है। उसके माइंड में यही चलेगा कि मुझे बुद्धिमान बनना। अगर उंगली हिलाते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि मुझे बुद्धिमान बनना है, क्योंकि उंगली का संदेश ये हो गया है मुझे बुद्धिमान बनना है। यह एक सिंबल हो गया मुझे बुद्धिमान बनने का। आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, या अपने सामने एक कॉपी रख लीजिए और उस कॉपी को जब भी देखिए तो बोलिए मुझे बुद्धिमान बनना है। जब उस कॉपी को देखिए तब बोलिए मुझे बुद्धिमान बनना है। तब अपने आप से बोलिए कि मुझे बुद्धिमान बनना है। जितनी बार आप कॉपी को देख रहे हैं उतनी बार आप बोलिए मुझे बुद्धिमान बनना है। तो अब जब भी आप कॉपी को देखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक समझ जाएगा मुझे बुद्धिमान बनना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा लॉजिक है, ये कैसे प्रूव हो सकता है, ये कैसा कोई कर सकता है कि हमारा माइंड उस चीज को समझने लगे उस सिंबल को देख के। जैसे अगर आप किसी को शॉर्ट लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो आप पहले से उसको संदेश दे दे रहे हैं कि आई लव यू का मतलब, अगर हम एल भी लिखे तो इसका मतलब हुआ आई लव यू। तो आप समय आने पर जब भी उसको एल लिख के भेजेंगे तो उसका मतलब होता है आई लव यू। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं कैसे हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट करता है। देखिए, अगर आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो उसका एक सिंबल होता है। राइट मुड़ने का राइट सिंबल होता है, लेफ्ट मुड़ने का लेफ्ट सिंबल होता है। जहां ब्रेकर होता है उसका कुछ अलग सिंबल होता है। इसी तरह जो हमारे सिंबल्स हैं हमको ये बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसी तरह आप जो बोल रहे हैं उसका कुछ सिंबल बना लीजिए। कोई भी सिंबल बना लेंगे आप, तो उस सिंबल को जब जब आप देखेंगे तब तब आपके माइंड में यही
संदेश जाएगा कि मुझे ये काम करना है, मेरे लिए ये काम इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है ये समझने का, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा हमको बताना नहीं है कि क्या करना है। तो आप अपनी बॉडी के साथ कुछ कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा यंत्र ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग ताबीज पहना देते हैं और उसको बोलते हैं कि इससे तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। तो इसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। वो क्या है साइकोलॉजिकल पॉइंट, हम नहीं बोल रहे हैं कि उसमें ताकत नहीं है या ऐसा कुछ नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हम साइकोलॉजिकल व्यू बता रहे हैं कि इसका साइकोलॉजिकल व्यू क्या है, कि अगर हम कोई ताबीज दे देते हैं और इससे ये बोलते हैं कि जाओ इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, जब जब वो बंदा अपना उस ताबीज को देखेगा तो उसके माइंड में यही बार बार होगा कि मेरी बीमारी दूर होगी इस ताबीज से, और उसके चलते उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो यही एक व्यू है, यही एक सिंबल है जो हम अपने माइंड को संदेश देंगे किसी भी बात को बोलने के लिए। कुछ भी है, जो भी चीज आप चाहते हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसमें आप उसको देखते हुए आप बार बार बोलिए कि मुझे ये काम करना है, और उसको अपने साथ रखिए। अब वो आपके साथ रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमको ये काम करना है, मेरे लिए ये काम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं समझाने वाली है। तो आपको अब जो भी चीज आप रिपीट कर रहे हो, एक सिंबल के साथ रिपीट करो, एक हैबिट के साथ रिपीट करो, कोई बॉडी के एक्शन के साथ रिपीट करो, जिससे वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले एंड शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।